सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला। हम आपको कुछ चित्र अवलोकन करा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का की शपथ ली और पद का शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस तरीके से झुक करके नम्रता दिखा करके लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद जाकर के उन्होंने लोगों की सराहना की, वैसे वहां पर जिस तरीके से शिवसैनिक अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, हम आपको दर्शा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी ये खुशियां जाहिर की गई। लोग अपने घरों में अपने नुक्कड़ों पर इस देश का अवलोकन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पहली बार कोई ठाकरे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री पद बना है और पहली बार कोई ठाकरे परिवार का सदस्य चुनाव जीत करके चुनावी मैदान में आकर के महाराष्ट्र की बागडोर संभालने के काबिल हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे प्रकाश पाटिल जी से, जो ठाणे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारी टीम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिवसैनिकों का मनोबल ऊंचा हुआ है राष्ट्र के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए और खास करके महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे हम, अभी राष्ट्र के बारे में हमें सोचना है और खास करके राष्ट्र और महाराष्ट्र मिलकर के हम ऐसा सजाएंगे कि लोगों में ये होगा कि बाला साहेब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो चलिए हम सुनते हैं प्रकाश पाटिल जी को। प्रयास करने के बाद जिस तरीके से कल पूरे महाराष्ट्र की बागडोर आप लोगों के हाथों मिली, क्या इच्छाएं हैं और क्या नजारा वहां पर दिखाई दे रहा था? नहीं बुलत, या महाराष्ट्र प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मनातली जी गोष्ट होती, शिवसेना प्रमुखांना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांनी शब्द दिला होता का मी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवेन, आणि तो स्वप्न शिवसेना प्रमुखांचं साकार झालं। आणि म्हणून प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकांमध्ये प्रचंड उत्साह होता, आनंद होता। याच्यामध्ये मी खास करून अभिनंदन करेन शरद पवार साहेबांचं। मी प्रत्यक्ष भेटून त्यांचा सन्मान करणार आहे, सत्कार करणार आहे, कारण शिवसेना प्रमुख असतानाच त्यांचं जे काय जिवाल्याचे संबंध होते राजकारणाच्या पलीकडचे, त्यात शिवसेना प्रमुख नाही आहे, परंतु राज्यामधली अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती शेतकरी संकटात असताना, आणि एकूण राज्यामधली बेरोजगारी आणि सर्वच परिस्थिती जर बघितली तर अशा प्रसंगामध्ये पेच प्रसंग निर्माण झालेला असताना शरद पवार साहेब त्यांच्या कुटुंब, त्यांच्या मिसेस असतील सुप्रिया सुले असतील, तर महाआघाडीचं मुख्यमंत्री शिवसेनेचं उद्धव साहेब ठाकरे होवा याच्यासाठी त्यांनी जो केलेला जो प्रयत्न आहे, सोनिया गांधींनी सुद्धा किंवा या राज्यातले काँग्रेसचे सगळे नेते आपण मीडियावर सगळ्यांनी बघितलं, ज्या पद्धतीने हे सगळं महाआघाडीचं सरकार येण्यासाठी जो काय प्रयत्न केला, तर त्या प्रयत्नामध्ये नक्कीच स्वाभाविकपणे मनापासूनचा त्यांनी तो केलेला प्रयत्न आहे। याच्या याच्यामध्ये प्रचंड मेहनत एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी हे सरकार महाआघाडीचे यावा, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे होवा याच्यासाठी प्रचंड मेहनत त्यांनी केलेली आहे, त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे। आणि म्हणून
या सगळे याच्यामध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होणार असं ठाम मीडियासमोर 15-20 दिवस ठाम ज्यांनी सांगितलं ते संजय राऊत साहेब, त्यांनी विश्वास दिला शिवसेनेला, या महाराष्ट्रातल्या जनतेला विश्वास दिला, ते सत्तेत उतरताना पाहिलं आणि त्यांचं ते वाक्य जे आहे ते शब्द जे आहेत ते खरं ठरलं आणि त्याच्या याच्यामुळं या संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या महाआघाडीच्या सगळ्याच नेत्यांचं, महाआघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो। अशी भावना असलेला नेता आहे, मी मनापासून उद्धवसाहेब ठाकरे यांचे अभिनंदन करतो आणि पूर्ण खात्री आहे का 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्र प्रगतिशील महाराष्ट्र होईल आणि त्यांच्या हातनं शिवसेना प्रमुखांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे आणि म्हणून नेहमीच या सगळ्या महाराष्ट्राच्या घडणघडणमध्ये शिवसेनेचं, ठाणे जिल्ह्याचं, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं नेहमीच, मागच्या वेळेला 95 मध्ये सरकार आलं त्यावेळेला धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची त्यावेळेला महत्वाची भूमिका होती। आज त्याच ठाणे जिल्ह्यातनं एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या रूपाने पुन्हा शिवसेनेचा भगवा झेंडा महाराष्ट्रावर फडकत असताना विधान भवनावर दिघे साहेबांचं जे कार्य काम आहे ते एकनाथ शिंदे साहेबांच्या रूपाने उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी जे काम त्यांनी केलेलं आहे महाराष्ट्रातली जनता आणि सामान्य माणसांनी प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे, त्याच्यामुळं त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। एक छोटासा सवाल करू, इस चुनाव में दो इतिहास रचे गए, एक तो ठाकरे परिवार से कोई सदस्य आकर के मैदान में चुनाव लड़के जीत के आया और दूसरी बार ठाकरे परिवार से ही मुख्यमंत्री पद जिस तरीके से मिला, क्या आप अपने दिल में महसूस कर रहे थे कि कितनी बड़ी श्रद्धांजलि आज बाला साहब जी को मिला है? ये तो खुशी की बात है और प्रत्यक्ष सरकार में रह के काम करना और बाहर रह के करना तो ये दोनों अलग अलग बात है। तो इसमें उद्धव साहब के मन में महाराष्ट्र के जनता के किसान के प्रति जो आदर है और किसान गंभीर समस्या में है और वो संकट उनके ऊपर है, उस समय में अगर वो खुद नेतृत्व करते हैं और उन लोग को इस महाराष्ट्र के अंदर के जो सामान्य जनता है उनको दिलासा मिलता है तो ये बाला साहब जी को श्रद्धांजलि हो सकती है। ये तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बने ये बाला साहब को ही श्रद्धांजलि है और ये बाला साहब की प्रेरणा है, ये उनके ही विचार है और ये सब उनके मन में, बाला साहब के मन में हमेशा यही रहे। जिस वक्त उद्धव साहब ने मुख्यमंत्री पद संभाला आकर के जिस तरीके से उन्होंने झुक करके एक प्रणाम किया अपनी आम जनता को, क्या महसूस जनता कर रही थी और किस तरीके से नारेबाजी कर रही थी? ये शिवसेना प्रमुख भी बाला साहब ठाकरे जब 95 में शिवसेना का गवर्नमेंट जब बना तो उन्होंने ही उस टाइम में जनता को जो उद्धव साहब ने शपथ लेने के बाद में जो नमस्कार किया, ये संस्कृति है शिवसेना की और बाला साहब हमेशा ही जनता को, शिवसैनिक को वो दैवत मानते थे और शिवसैनिक बाला साहब को दैवत मानते थे, तो ये अतुट नाता है और शिवसेना हमेशा ये अपने महाराष्ट्र के जनता के हित में और जनता के बारे में हमेशा आदरपूर्वक ही उन्होंने देखा है। ये सत्ता और मस्ती ये शिवसेना का ये नहीं है, ये हमेशा ये संस्कार बाला साहब के हैं, ये हमेशा ही रहेगी शिवसैनिक के मन में।